अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। काका जल्दी से फर्स्ट एड किट लेके आइए। फर्स्ट एड? क्या हो गया, किसे चोट लग गई? अंकल मैं बताता हूँ, आप फर्स्ट एड किट लेके आइए ना। ओ हेलो, पहले हमें बता हुआ क्या है? ताई ने कॉल किया था। वो क्या? विराट, विराट ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ, कैसे हो बेटा? ये फाइन मॉम, हम वो इंसान पकड़ा के वो पैंड्रा के झील में हम वो तस्वीरें जिसने भी ली थी ना, वो इंसान बच के नहीं जा पाए। ठीक सर, आप बैठिए ना। नहीं मैं ठीक हूँ। चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो बांध बूंद करके हॉस्पिटल लेके जाएंगे तुझे। तुम दोनों की जोड़ी ना एकदम खतरनाक है। ओके फाइन, आपस में कर लो शादी। बेटा मैं तेरे लिए हल्दी दूध लाती हूँ, तू तब तक पट्टी करवा लेना। जी ठीक है। विराट ये चोट लगी कैसे? कहाँ गए थे तुम लोग? एक मिनट, ये अमृता आपके साथ थी ना? क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ? अरे वो भास्कर निमी, मैं इत्थे हूं ना, मैं पूछती हूँ ना, मुझे बताएगा ना ये? हाँ तो बता ना बेटा, ये सब कैसे हुआ? नीचे गए थे ना, कुछ वो कोई बिजनेस डील की कुछ बात करनी थी तो नीचे गए थे। अरे अपनी शादी के फंक्शन छोड़कर कौन जाता है नीचे? डैड वो जाना पड़ा ना, जरूरी था। जरूरी किसके लिए बता ना, किस लिए? वो सिगरेट पीने। पुत्र तो सिगरेट कब से पीने लगा? क्या डैड आप बेबे यहां बैठी आप खुद को गाली दे रहे हो? चुप कर। वैसे विराट ये लत बहुत बुरी है, सेहत पे इसका असर कितना बुरा होता है पता है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, मतलब एक हाथ में डंबल एक हाथ में सुट्टा, और तूने अकेले अकेले आदत कब डाली मुझे बताया कि नहीं? क्या करूं? अगर उस सुरेश ने मुंह खोल दिया तो विराट मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा, और उस अमृता को तो मौका मिल जाएगा विराट को मेरे खिलाफ करने का, उसके दिल में मेरे खिलाफ जहर भरने का। क्या करूं? हेलो वाधवानी जी, रिंग रोड के पुलिस स्टेशन में एक आदमी बंद है, उसकी बेल करवानी है, अर्जेंट है। उसका नाम और डिटेल्स मैं मैसेज करती हूँ, अर्जेंट है। और ध्यान रहे इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए पिछली बार की तरह, वरना आप मेरे लॉयर नहीं रहोगे, समझ गए? मैं भी निकलती हूँ। ये मासी को क्या हुआ अचानक, कहाँ जा रही है? ये बताना छोड़,
अगर इसके ये खून वून नहीं निकला होता ना तो मैं इसे इतने छितर मारते, इतने छितर मारती कि याद रखता। सुट्टे मारता है। अब बता कब से पड़ी है ये लत तुझे? नहीं बेबी, लत नहीं है, कभी कभी स्ट्रेस में बस। लेकिन आधी सिगरेट, सिर्फ आधी सिगरेट ही पीते हैं। ओए, अरे आधी हो या पूरी, होती तो जहरी है ना। हाँ मैं तो बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि गलत आदत है, और अगर स्ट्रेस कम करना है तो ऊपर आके संगीत में नाच गाना करने से भी तो स्ट्रेस कम हो जाता ना। लेकिन बेबी क्या हुआ ना, वो एक वो जेब कतरा आ गया इनका पॉकेट मारने के लिए। हाय रब्बा, और हाथापाई हो गई और चोट लग गई। हाँ हाँ बेबे, तभी तो कहते हैं ना, माँ बाप से छुप के अगर कुछ बुरा करोगे तो ऐसे ही धुलाई होएगी ना। और आगे से दोबारा अगर तुझे ये लत पड़ी तो फिर देखना मेरी लठ आ जानी है, समझे ना। नहीं नहीं बेबे, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, मैं आज के बाद सिगरेट पीऊंगा ही नहीं। खा मेरी कसम। आपकी कसम? हाँ फिर ठीक है। थैंक्स हर्ष। इट्स ओके, घाव छोटा है लेकिन गहरा है, तो बेहतर है कि आप मूवमेंट ना करें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। थैंक्स। अमृता बेटा, तू इसे अंदर ले जा, आराम करा। चलो। सीरियसली स्मोकिंग? और कुछ नहीं मिला, अरे कुछ और बोल देती, सिगरेट पीता हूं मैं। देखो बैंकर, मुझ में ना एक भी बुरी आदत नहीं है, और ये सिगरेट विगरेट से तो सख्त नफरत है मुझे, हेल्थ कॉन्शियस हूं मैं, ये फेफड़ों को खत्म कर देती है। हेल्थ कॉन्शियस भी है ना, मेरा मतलब और भी नुकसान होता है ना सिगरेट पीने का। वैसे झूठ बोल रहे हैं आप। कोई भी बुरी आदत कैसे नहीं है, दारू तो खूब पीते हैं आप। खूब नहीं पीता हूँ दारू, वो बस चख लेता हूँ मैं, और कुछ चखने के साथ चखते होंगे। सॉरी, मैं जानती हूँ कोई भी और बहाना बना सकती थी, लेकिन उस वक्त कुछ सूझा नहीं इसलिए। इसे जो मन में आया बोल दिया वही। अरे हमेशा यही तो करती हो तुम ना एक काम करा करो बैंकर, आधे से ज्यादा टाइम ना अपना मुंह बंद रखा करो, ऐसा करोगी ना तो लाइफ सॉर्टेड होगी, और खासकर मेरी तो बहुत सॉर्टेड होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।